हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में शेडर्स को इंस्टॉल और कैसे उनको एक्टिवेट करें, वो सब प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर शेडर्स ऑन किए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं ऐसे बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में शेडर्स ऑन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को तो शेडर्स को एक्टिवेट करने के लिए पहले आप लोगों के पास शेडर्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक शेडर्स डाउनलोड किया है जिसका नाम है बाइकोबिक शेडर। तो ये बहुत बेहतर शेडर है, इसलिए मैंने डाउनलोड किया है। तो आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो एक बार आप लोगों ने बाइकोबिक शेडर्स डाउनलोड किया है तो आप लोगों को यहाँ पर जो क्रोम के ब्राउज़र है वहाँ पर आप लोगों को जाना है और वहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली इस पर इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से इस पर क्लिक करने के बाद ये अपने आप ऐसे ओपन हो जाएगा गेम, और यहाँ पर इंपोर्ट स्टार्टेड करके आएगा ऊपर आप लोग यहाँ पर ऊपर से, और यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्टेड बाइकोबिक शेडर्स आ गए हैं। तो आप लोगों के गेम में भी ऐसे जो मैसेज है वो आ गए हैं। आप लोगों के गेम मेन मेनू में ओपन होगी क्योंकि मैंने ये जो मेरा गेम है ऐसे ओपन रखी थी तो यहाँ पर इंपोर्ट दिखाने लगा है। तो मैं एक बार आप लोगों को ये गेम क्वाइट कर, तो यहाँ पर मैं अपने वर्ल्ड से बाहर आ गया हूँ और आप लोगों को एक बार सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में चला गया हूँ और यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्सेज और यहाँ पर माय पैक्स में आप लोग देख सकते हो कि बाइकोबिक शेडर्स है वो आ गया है। इस तरीके से आप लोग अपने जो शेडर्स है वो गेम के अंदर ला सकते हो। अब बात करते हैं इसको आप लोग कैसे अपने गेम में यानी कि वर्ल्ड में एक्टिवेट कर पाओगे। तो इसे करने के लिए पहले आप लोगों को बैक आना है और यहाँ पर प्ले पर जाना है। प्ले पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक पेन आइकॉन दिखाई देगा साइड में, जो कि पेंसिल आइकॉन है, पेन आइकॉन नहीं है वो। तो यहाँ पर पेंसिल आइकॉन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को रिसोर्स पैक्स दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को माय पैक्स के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और आपके शेडर्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक्टिवेट बटन नज़र आएगा, आप लोगों को इस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो शेडर्स है वो यहाँ पर एक्टिव टैब में के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हमारा शेडर है वो आप लोग वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्ले पर क्लिक किया है। अब थोड़ा मैं स्किप करूँगा इस वीडियो को क्योंकि यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आने वाली है, वो लोड हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे शेडर्स जो है वो एक्टिवेट किए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही हाई मतलब ग्राफिक्स का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा लैग करेगा ये क्योंकि अभी मैंने इसको ये किया है, और ये क्योंकि शेडर्स एकदम ठीक होने चाहिए अपने गेम के हिसाब से, इसलिए शायद ये थोड़ा लैग हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन शेडर्स लैग होने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शेडर्स इंस्टॉल करने की बात हो रही है, इसलिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो फिनिश हो गया है यहाँ पर। तो आप लोग भी अपने गेम में इस तरीके से शेडर्स ऑन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।